हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, आने वाला मंडे नाइट रॉ आखिरी रॉ है सर्वाइवर सीरीज से पहले, इसलिए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स इस हफ्ते के रॉ को इन्वेट करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा आपको पता ही होगा कि इस साल के सर्वाइवर सीरीज में दो टीम्स की जगह तीन टीम्स का एलिमिनेशन मैच होगा और इस एलिमिनेशन मैच के लिए मंडे नाइट रॉ और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की टीम अनाउंस हो चुकी है। रॉ के टीम कैप्टन है सेथ रॉलिंग्स और स्मैकडाउन के टीम कैप्टन है रोमन रेक्स। और दोस्तों, जैसे हर साल आखिरी हफ्ते में रॉ और स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स एक दूसरे के ब्रांड को इन्वाइट करते हैं, वैसे ही इस साल भी रॉ को इन्वाइट करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स और रॉ के इन्वेजन को लीड करेंगे स्मैकडाउन के टीम कैप्टन द बिग डॉग रोमन रेक्स। इसलिए आने वाले रॉ को आप मिस मत करिएगा और इस बार स्मैकडाउन के साथ एनएक्सटी के सुपरस्टार्स भी मंडे नाइट रॉ में नजर आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या रॉ के सुपरस्टार्स स्मैकडाउन और एनएक्सटी के सुपरस्टार्स का इन्वेजन संभाल पाते हैं या नहीं। वैसे दोस्तों, आप इस साल के सर्वाइवर सीरीज में कौन से टीम को सपोर्ट करोगे, मंडे नाइट रॉ, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन या फिर वेंसडे नाइट एनएक्सटी? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आने वाले रॉ के लिए एक बहुत बड़ा मैच अनाउंस किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। ज़ेलिना वेगा, जो कि सियान एल्मस की मैनेजर हैं, उनके हिसाब से सियान एल्मस को रॉ की टीम लीड करनी चाहिए, न कि सेथ रॉलिंग्स को। इसलिए सेथ रॉलिंग्स ने कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट के बाद सियान एल्मस को इस हफ्ते के रॉ में सिंगल्स मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और दोस्तों, सेथ रॉलिंग्स ने यह भी कहा है कि अगर सियान एल्मस उनसे जीत गए तो सेथ रॉलिंग्स रॉ की टीम से बाहर हो जाएंगे और रॉ के न्यू कैप्टन सियान एल्मस बन जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सियान एल्मस और सेथ रॉलिंग्स के मैच में कौन जीतेगा और क्या सेथ रॉलिंग्स रॉ के लिए अच्छे कैप्टन है या नहीं? दोस्तों, इस हफ्ते के स्मैकडाउन में मुस्तफा अली और शॉर्टी गिबल का मैच हुआ था रॉबर्ट रूड और डॉल्फ ज़िगलर के साथ, और अगर अली और गिबल हार जाते तो वो स्मैकडाउन की सर्वाइवर सीरीज की टीम से बाहर हो जाते, पर इन दोनों ने मैच जीतकर उनकी जगह बनाई रखी है स्मैकडाउन की टीम में। और इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस किया है कि अगले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रेक्स टीम अप करेंगे मुस्तफा अली और शॉर्टी गिबल के साथ और फेस करेंगे किंग बैरन कॉर्बिन, रॉबर्ट रूड और डॉल्फ ज़िगलर की टीम को। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच में किसकी टीम जीतेगी? चलिए अब बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। सर्वाइवर सीरीज 2019 में ब्रॉक लेसनर फेस करेंगे रे मिस्टेरियो को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के मैच में, और इसलिए इस हफ्ते के रॉ में ब्रॉक लेसनर अटैक कर देंगे रे मिस्टेरियो पर। दोस्तों, बस देखना यह है कि क्या रे मिस्टेरियो ब्रॉक लेसनर के अटैक के लिए तैयार है या नहीं। और इस हफ्ते का रॉ मंगलवार 19 नवंबर की सुबह 6:30 बजे से Sony 10.1 और Sony 10.3 पर देगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।